नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों बेसिकली मन तो था नहीं ये ब्लॉग बनाने का। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग अपनी पॉपुलरिटी के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी कुछ ऐसी चीज़ें गाइडिंग करने के लिए हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, आपसे संबंधित कुछ भी ऐसी चीज़ें डालते हैं, जैसे हम कोई ट्रैवलिंग स्पॉट पर गए। लेकिन दोस्तों मन बहुत दुखी है, आज मैं एक ऐसी ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि जो किसान से संबंधित है, क्योंकि मेरे फादर भी एक किसान है और जो पिछले दो तीन दिन से जो प्रक्रिया चल रही है मौसम से संबंधित, वो आप सभी जानते होंगे, लगभग लगभग हर जगह ये बारिश हो रही है। तो दोस्तों अभी जो पिछले तीन चार दिन हैं उनमें इतनी बुरी सिचुएशन हुई है बारिश की कि जो किसान होता है ना, तो कहता है वो कहावत है ना कि किसान तो हर जगह लुटता है। अगर सरकार की बात करूँ वहाँ भी किसान दबता है। बेसिकली बहुत सारे मुद्दे थे, किसान आंदोलन चला था, वहाँ पे भी किसान को दबाने की कोशिश की गई, या कोई सिचुएशन होती है कि कहीं मंडी भाव सही नहीं मिलता, कहीं MRP सही नहीं बनती, कहीं MRP फिक्स नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे किसानों के होते हैं। और बहुत सारे केस हमारे भारत में आते रहते हैं, कितने सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ या मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को सुनते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और पिछले 4-5 दिन से जो वेदर है, मौसम है, उसमें भी किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस है। कुछ किसान ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों को अगर खुशी भी होगी तो मैं मान सकता हूँ कि होगी, लेकिन मोस्टली सारे किसान परेशान ही होते हैं। तो मैंने आज जो ये वीडियो बनाई है, मैं आप सब लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो किसान के ऊपर चर्चाएँ होती हैं, तो ये सारी उससे संबंधित एक वीडियो की जो पिछले 3-4 दिन की बारिश हुई है उसमें कितना ज़्यादा किसान को नुकसान हुआ। मेरे भी फादर ने धान लगा रखे हैं, थोड़ा सा बाजरा बो रखा है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो इस मौसम में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आज मोस्टली ये वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या वीडियो बना के डालूं इससे संबंधित, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो बहुत से लोग डिस्कस करते हैं किसानों के ऊपर, तो किसान कितने सारे संघर्ष करता है, कितना कुछ करता है, और एंड में जाके ये सारी जब सिचुएशन होती है तो कितना मन दुखी होता है। तो इसका बस एक दिखाने का उद्देश्य है कि देखिए नुकसान तो हर जगह हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पर हुआ है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो लगभग हर क्षेत्र में जाएं या डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं या किसी भी स्टेट में जाके बात करें तो लगभग सब जगह नुकसान हुआ है इस बारिश से। बहुत भयंकर बारिश थी पिछले 3-4 दिन, अच्छी बारिश जो हुई थी, और गर्मी से तो राहत मिली लेकिन नुकसान बहुत हुआ किसानों को। तो मैं आज आपको वही व्यू दिखाने वाला हूँ, अगर आप व्यू देखोगे तो कहोगे वाकई में बहुत है। आज जिन खेतों में कभी पानी नहीं रुक पाता था, जिन खेतों में कभी पानी इतना नहीं हो पाता, आज वहाँ भी पानी की इतनी बुरी कंडीशन है कि पानी के उससे पूरे मैडे डूबे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ जो पूरी फसल है कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, मैं आपको आज पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कितना बुरा हाल इस वर्षा में किसानों के साथ हुआ है। देखिए दोस्तों ये बाजरे की फसल है, अभी जो बारिश पिछले 3-4 दिन जो बारिश हुई थी और उसके साथ साथ जो हवाएं चली थी, ये पूरी जो आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, पूरी फसल नीचे लौट गई है। और जो अभी बाजरा है उसके बाल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बाल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, अभी मतलब इसमें दाना बनना स्टार्ट हुआ है। और इसका जो ये है, देखिए अभी ये जो मेरे सामने आप बाल देख रहे हैं ना, इस पर बोर है, तो ये जो इसके बाद जो वहाँ दाना बनना स्टार्ट होता है वो सारा डैमेज हो चुका है। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि चलो कुछ जो बाल जो थी वो तैयार हो चुकी है दाने के साथ, लेकिन कुछ अभी तैयार नहीं हुई। लेकिन अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना सारा बाजरा, ये पूरा बेकार हो चुका है, अभी नीचे लौट गया, यहाँ पे गल जाएगा ये और पूरा बेकार हो गया। आप जो सामने तक देख रहे हैं ना, दूर दूर तक जो आप देखे आप सामने, तो ये पूरा इसमें अभी क्या है, ये पूरा बेकार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सामने देखिए खड़ा हुआ है, लेकिन ये वहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक बेकार हो जाता है, गिर जाता है। तो ये अभी कुछ दिन में जाके गल जाएगा, बेकार हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ पेड़ इसमें टूट भी गए होंगे, तो ये पूरा बेकार हो चुका है। और कहीं कहीं तो बाजरे की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बेकार हो रहा है, और थोड़ा सा आप उधर की साइड में जाओगे तो थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर बेकार हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी इससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान किसानों का है, और हमारे यहाँ तो बाजरे की फसल फिर भी बहुत कम होती है, लेकिन कुछ लोग जो किसान होते हैं वो मोस्टली इस टाइम में बाजरे पर निर्भर होते हैं, तो बहुत जगह बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। तो बताइए अब किसान क्या कर सकता है। किसान हमेशा अपने जो मेहनत होती है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कभी अपने हक की मांग नहीं करता, चाहे वो सरकार के साथ हो चाहे उसको प्राकृतिक मार हो, हमेशा मार झेलता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं ले पाता। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों।